बॉलीवुड में 60s और 70s की एक्ट्रेस की बात करें तो एक मासूम सा और प्यारा सा चेहरा हमारे सामने आ जाता है। तुम्हारी चुपके लाज शर्म के मारे री फरमाए। और वह चेहरा है नाजिमा का। वह एक अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ खूबसूरत शख्स भी थी, फिर भी उन्हें फिल्मों में लीड रोल क्यों नहीं मिल पाया? जिन फिल्मों में इन्हें लीड रोल मिला भी तो वह पहचान क्यों नहीं मिल पाई? बॉलीवुड की बहन ही बनकर क्यों रह गई? आपको यह जानकर हैरानी भी होगी कि सबसे ज़्यादा रेप सीन नाजिमा पर ही शूट हुआ था। 27 साल की उम्र में ही इन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और गुमनामी में खो गई। ऐसे कई अनसुलझे सवाल जो नाजिमा से जुड़े हैं उसका जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में, अंत तक बने रहें। नमस्कार, आपका स्वागत है अचीवर जंक्शन प्रेजेंट्स सिल्वर स्क्रीन की कहानियाँ में। हम सुनाते हैं फिल्मी दुनिया से जुड़े रोचक प्रसंग, लेकर आते हैं फिल्मी कहानियाँ, बताते हैं फिल्म स्टार के संघर्ष की दास्तान। आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। खुश नसीबों की सजती रहे, मेहंदियां सबके हाथों में रचती। नाजिमा का जन्म 1948 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था, लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई। इनका असली नाम मेहरुनिसा था। नाजिमा ने अपनी फिल्मी करियर एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में साल 1953 में रिलीज हुई फिल्म पतिता में बीबी चांद के नाम से शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने ब्रजबहु, देवदास, गरम कोट आदि फिल्मों में भी बीबी चांद के नाम से ही काम किया। मैनेजर हूँ, मगर आपकी तारीफ? मुझे सीमा कहते हैं। सीमा? आशा की छोटी बहन। आशा की छोटी बहन आप? ज्यादातर फिल्मों में चूंकि वो बहन के किरदार में ही नजर आए, इसलिए वो बॉलीवुड की बहन के नाम से भी मशहूर हो गई। बतौर हीरोइन इनकी पहली फिल्म 1961 में आई, जिसका टाइटल उम्र कैद था। फिर 1965 में आई फिल्म निशान में भी वह संजीव कुमार की हीरोइन बनी। संजीव कुमार की पहली हीरोइन का श्रेय भी नाजिमा को ही मिला। संजीव कुमार की डबल रोल वाली फिल्म राजा और रंक में भी इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म का एक गाना बहुत हिट था। ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अप। इसके बाद नाजिमा को तब के राइजिंग सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने को मिला। वह साल 1967 में आई फिल्म औरत में भी लीड रोल में नजर आई। हालांकि तब संजीव कुमार और राजेश खन्ना तो सुपरस्टार के रूप में छा गए, लेकिन किसी की निगाह नाजिमा पर नहीं पड़ी। फिर इसके बाद इन्हें लीड रोल्स मिलने कम हो गए और इनको बहन और सहेली का रोल ऑफर होते रहे। इसी क्रम में इन्होंने जिद्दी में आशा पारिक की बहन का रोल, आरजू और अनजान में राजेंद्र कुमार की बहन का रोल, अप्रैल फुल में सायरा बानो की बहन का रोल, वारिस में जितेंद्र की बहन का रोल किया। फिल्मों में हीरो से बदला लेने के लिए उसकी बहन पर ही अत्याचार किए जाते हैं, इसलिए सीधी सादी बहन का रोल करने की वजह से सबसे ज़्यादा रेप सीन नाजिमा पर ही शूट हुआ था। इसी क्रम में उन्होंने कई यादगार फिल्में की, जैसे आए दिन बहार के, मनचली, हनीमून और बेईमान। 1965 में आई फिल्म आरजू के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस से नवाजा था। फिर 1972 की फिल्म बेईमान के लिए तो इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म में ये मनोज कुमार की बहन की भूमिका में थी। कृष्ण का जैसे बदरी और पवन का जैसे धरती और कि उन्हें काम तो मिल रहा है,
लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें यह दुख भी था कि किसी निर्देशक को उनके अंदर लीड हीरोइन का गुण नहीं दिख रहा था। फिल्म मेकर जो भी रोल ऑफर करते, नाजिमा तुरंत उसको करने के लिए तैयार हो जाती थी। वह यह नहीं देखती थी कि बहन का रोल है या सहेली का रोल है, वह सिर्फ एक्टिंग पर ध्यान देती थी। शायद अगर वह रोल के लिए अड़ती तो उन्हें लीड रोल मिलते या शायद उनका करियर ही खत्म हो जाता। वह संभवतः रिक्स नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वह लगातार सामने आने वाले काम किए जा रही थी। ऐ जज़्बे दिल पर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए तो काम चलूँ। एक वेबसाइट के दिए इंटरव्यू में नाजिमा ने कहा था, मैं नहीं जानती मेरे भविष्य में क्या है, लेकिन निर्देशक मुझसे जो भी करने को कहते हैं वो मैं करती हूँ। लेकिन अभी तक किसी निर्देशक को ऐसा नहीं लगा कि मैं लीड हीरोइन का रोल भी कर सकती हूँ, और मुझे फिल्मों में बने रहने के लिए इस तरह के किरदार करने पड़ेंगे, वरना मैं बेरोजगार हो जाऊँगी और लोग मुझे भूल जाएंगे। हिदायत तो कभी भी न थी, वो बेचारे आज तक किसी न किसी तरह से हम दोनों बहनों का बोझ उठाते चले आए हैं। इसके बाद नाजिमा को रंगा खुश और दयारे मदीना फिल्म में आखिरी बार देखा गया था। इसके बाद वह फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई। नाजिमा ने नेवी में कैप्टन रहे अरसुल रहमान से शादी की, जिसके बाद दो बच्चे हुए और दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है। ऐसा सुनने में आता है कि 2018 में अरसुल रहमान का निधन हो गया था, लेकिन नाजिमा इस दुनिया में हैं या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस चमक धमक से भरी फिल्म इंडस्ट्री में इसी तरह अनेक सितारे गुमनामी में खो जाते हैं और रह जाती है तो बस उनकी याद। फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना, तू अपनी। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही फिल्म इंडस्ट्री की कहानियाँ सुनना या देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। हम जल्द ही मिलेंगे किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।